अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे एक्ने के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से बच्चे जब एडोलेसेंस एज में जाते हैं, यानी 12 से 14 साल की उम्र के बाद, उनको अक्सर बच्चों को मुंह पे दाने निकल आते हैं और कई दफ़ा दाने इतने बड़े हो जाते हैं कि बच्चे एम्बेरसमेंट का शिकार होते हैं और उसको छीलते हैं, जिसकी वजह से स्कारिंग हो जाती है और उनके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा आप कहते हैं कि निशान पड़ जाते हैं और वो बहुत बुरा फील करते हैं अपने क्लास वालों के सामने। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो दाने हैं वो बनते इसलिए हैं क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें हॉर्मोन्स की चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से उनको दाने बनते हैं। तो इसमें कुछ बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और कुछ बच्चे नहीं होते। तो जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं चेंजेस, हॉर्मोन चेंजेस के लिए, तो उनको बड़े बड़े दाने निकल आते हैं। उसमें जब भी अगर किसी बच्चे को ये मसला हो तो प्लीज़ सबसे पहली बात, स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को एनकरेज करें कि वो अपने दानों को छीले नहीं और उसको रगड़ रगड़ के अपनी स्किन को साफ नहीं करें। स्किन को हमेशा बड़े ही किसी जेंटल मॉइस्चराइज़र के साथ उसको यूज़ करें। बहुत ही कोई जेंटल मॉइस्चराइजिंग सोप इस्तेमाल करें, कोई भी एंटीबैक्टीरियल या खुशबू वाला साबुन या जिसे स्किन जो है ना सफ़ेद हो जाती है वो वाला साबुन इस्तेमाल मत करें। इसके अलावा जो है वो जो है जो दाने निकल आते हैं उनको बिल्कुल नहीं छीलें। जिस तरह ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स कहा जाता है, वो भी एक्ने की एक टाइप है, उसको बिल्कुल भी उतारने की कोशिश ना करें। स्किन को रगड़ रगड़ के मत धोएं। सनलाइट अच्छी है स्किन के लिए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मॉडरेट अमाउंट में सनलाइट एक्सपोज करें, वो भी सनस्क्रीन लगाने के बाद। लेकिन अगर इन सब चीज़ों के साथ एक्ने फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, कुछ लोग कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ खाएं फ़लाँ चीज़ नहीं खाएं, किसी भी चीज़ का कोई भी एविडेंस नहीं है कि किसी चीज़ खाने से ये बढ़ते हैं या कम होते हैं। लेकिन फिर भी वेल बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए और जिस डाइट से ये बढ़ते हों उसको अवॉइड कर लेना चाहिए, जैसे कि शुगर है, चॉकलेट्स हैं, जूसेस हैं, जिनसे ये कुछ लोगों में बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर इन चीज़ों से सही ना हो तो फिर सबसे पहले आ जाती हैं क्रीम्स, टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम्स या टॉपिकल रेटिनॉइड्स, ठीक है। और इसके बाद ओरल एंटीबायोटिक्स या ओरल रेटिनॉइड्स होते हैं। कुछ फीमेल्स, कुछ बच्चियाँ जिनके पीरियड्स भी इरेगुलर होते हैं, वजन बढ़ जाता है और मुंह पे एक्ने आ जाते हैं, उनको हॉर्मोन पिल्स जो है ना वो दी जाती हैं। तो आप किसी डॉक्टर के साथ रुजू कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप हमारी क्लिनिक में आके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।